let's start next topic of bhartiya saksha adhiniyam 2023 dear students i hope you are covering your syllabus with me today i'm going to tell you about what are the major changes that are related to confessions i hope you already aware of this term confession confession is a statement that is given by accused टू द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इंटेरोगेशन जब उनकी कस्ट पुलिस कस्टडी में जो भी इंफॉर्मेशन एक्यूज से ली जाती है तो उसको हम बोलते हैं कन्फेशन वो अपनी कन्फेशन या काइंड इट्स अ काइंड ऑफ एडमिशन इन द पुलिस कस्टडी ओके जब आप पुलिस कस्टडी में कोई भी बात को एडमिट करते हो कोई स्टेटमेंट आप प्रूव करते हो तो उसको बोला जाता है कि द एक्यूज हैज़ कन्फेस्ड दिस थिंग ही हैव एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वेरी सिंपल तो आज हम ये देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के कंपेरिटिवली दिस कन्फेशन स्टेटमेंट में अब क्या चेंज आया है कन्फेशन की डेफिनेशन में क्या चेंज आया है जो हम ये न्यू एक्ट कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसमें कन्फेशन्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है या इसमें क्या चेंज लाया गया है सो यू हैव टू लिसन इट केयरफुली और आप अपने बैरक्ट में या फिर सेपरेट नोट्स में उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं बिकॉज जब आप प्री का एग्जाम देंगे डी एस स्टूडेंट्स तो वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेज़ हैं जो चेंजेस नए आए हैं सो इंडियन एविडेंस एक्ट जो भी स्टूडेंट्स कर चुके हैं जिन्होंने मेरी इस प्ले लिस्ट को कम्प्लीट कर लिया तो वो इस इन प्ले लिस्ट के थ्रू उन चेंजेस को जस्ट ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ भी चीज़ डिडक्ट नहीं हुई है जस्ट एड ऑन हुई है तो इससे आपको चेंजेस जो है एक्स्ट्रा सिर्फ लर्न करते होंगे ऑल राइट सो वन अगेन वन जो स्टूडेंट्स इंडियन एविडेंस एक्ट की प्ले लिस्ट देखना चाह रहे हैं तो ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ दिस ओल्ड प्ले लिस्ट आप इंडियन एविडेंस एक्ट को भी देख कर आइए एंड नाउ हेयर वी विल स्टार्ट विद कन्फेशंस अब हम क्या कर रहे हैं हम जो भी डेफिनेशन में चेंजेस आ रहे हैं उनको कवर करें जैसे कि हमने लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि एविडेंस एक्चुअली जो मेजर डेफिनेशन है एविडेंस एविडेंस इस evidence की डेफिनेशन में क्या चेंज आया है तो जो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन भी नहीं देख पाए हैं उससे रिलेटेड भी लिंक आपको टॉप पर किवन है एविडेंस को अच्छे से समझिए नाउ बिलो इज गिवेन दिस आर

सो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इम्प्रूवस हाउ वी डील विद कन्फेशन क्रिमिनल केसेस में जो कन्फेशन होते हैं उस डेफिनेशन को थोड़ा इम्प्रूव किया गया है एंड दिस लॉ पुट्स टूगैदर सेवरल रूल्स दैट यूज टू बी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट नाउ इट्स क्लियर जो कन्फेशंस होते हैं मेड बिकॉज ऑफ कोअर्जन और फोर्स जिसको हम फोर्स कहते हैं फोर्सफुली जो स्टेटमेंट निका निकलवाई जाती है एक अक्यूज से पुलिस ऑफिसर अपना थोड़ा दबाव बनाकर प्रेशर बनाकर फोर्स से कोर्जन दिखाकर जब एक्यूज से कोई भी स्टेटमेंट को एडमिट करवाते हैं तो उस दैट इज नॉट ओके दैट इज नॉट फेयर ओके जस्ट इट लुक्स लाइक दैट जो एक्यूज ये स्टेटमेंट दे रहा है वो आउट ऑफ फियर आउट ऑफ थ्रेट या उसके साथ कोई प्रॉमिस उसको दिया जाता है कोई इंड्यूसमेंट उसको दी जाती है तभी उसने इस स्टेटमेंट को माना है एंड इन नॉर्मल कंडीशन एक्यूज इस स्टेटमेंट को कभी नहीं मानता तो दैट्स वाई कोर्जन या फोर्सफुली जो स्टेटमेंट गेन की जाती है इन पुलिस कस्टडी वो कन्फेशन के दायरे से बाहर है

जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इट डज दिस टू मेक श्योर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक फेयर रहे इक्वल रहे इट शुड नॉट लिव टू बी बायस विद विद्यूज इट वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूजिंग हार्श मेथड्स टू गेट कन्फेशंस एंड देन दिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्सप्लेन्स वेन अ कन्फेशन मैटर्स कब एक कन्फेशन जो है वो एक्चुअली में मैटर करता है कब एक कन्फेशन को हमें एक्चुअली में चेक करना पड़ेगा कि ये जो है एक फेयर मेथड के साथ लिया गया है अगर हम पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में देखें अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट क्या था कन्फेशन वॉज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट वेन इफेक्ट्स ऑफ इंड्यूजमेंट थ्रेट और प्रोमिस वॉरऑफ अगर प्रॉमिस थ्रेट या इंड्यूसमेंट को हटा दें तभी एक कन्फेशन को वैलिड माना जाता था ये पहले था ठीक है इंड्यूसमेंट थ्रेट वहां पर भी नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का फॉल्स प्रॉमिस एक्यूज को ना दिया जाए कि तुम अगर एक बार बता दो हम तुम्हें इस पर्टिकुलर पूरी पुलिस जो भी कार्रवाई रहेगी आगे की तुम फ्री हो जाओगे तुम छूट जाओगे तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो तुम्हें कोई भी आगे परेशानी नहीं आएगी तो आप उनको फॉल्स प्रॉमिस ना दो एंड अब क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये थ्री वर्ड्स तो है ही है इंड्यूजमेंट या किसी भी तरीके का थ्रेट किसी भी तरीके का फॉल्स प्रामिस आपको नहीं देना है बट नाउ दिस कर्जन वर्ड हैज़ ऑल्सो बीन एडिड इसलिए इसको मेन हाईलाइट किया है मैंने यहाँ पर कन्फेशन इज ओनली इंपॉर्टेंट आफ्टर ऑल दीज इफेक्ट्स आर कम्प्लीटली गॉन कंप्लीटली मीन्स देयर शुड नॉट बी अ सिंगल फैक्टर देयर वाइल कंसिडरिंग कन्फेशन एज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फेयर दिखता है लोगों का विश्वास बनता है इट क्रिएट मोर ट्रस्ट फॉर द पीपुल क्योंकि क्या होता है जब एक अक्यूज पर दबाव से प्रेशर से कोई स्टेटमेंट निकलवाई जाती है फोर्सफुली कोई स्टेटमेंट निकलवाई जाती है तो शायद वो स्टेटमेंट सच भी ना हो बट वो डर से उसको एक्सेप्ट करेगा एंड उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे शायद उसको एक ऐसी पनिशमेंट भुगतनी पड़ सकती है जिसका वो हकदार नहीं है जो कि उसको नहीं मिलनी चाहिए थी पनिशमेंट फॉर विच ही एक्चुअली वॉज नॉट लाइबल बट स्टिल हैज़ गोन थ्रू दैट पीरियड विच इज नॉट अ वैलिड और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ आवर जस्टिस सिस्टम ये लीगल सिस्टम का प्रिंसिपल नहीं है सो नाउ कोर्ट्स कैन डिसाइड फेयरली ऑन वेदर अ कन्फेशन जो है वो रियल है या नहीं इट्स फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर है या नहीं तो अगर हम एक इलेबोरेट वे से देखें जो ये पर्टिकुलर चेंज आया है ये एक तरीके से एक्यूज की एडवांटेज में है एक्यूज को यहाँ थोड़ा आ, की रोल में रखते हुए इस डेफिनेशन को देखा गया है एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडवांटेजियस थिंग साबित हो रही है राइट सो द बी एस एस चेंजेस ऑन कन्फेशन इज एम टू प्रोटेक्ट द एक्यूज मोर यस ट्रूली एक्यूज को बचाने के लिए ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है They make sure the system is fair by clearly saying when a confession counts. kab ek confession jo hai wo important hota है and with these changes, BSA wants to let confessions in only if they were freely given. Confessions tabhi include किए जाएंगे confession को तभी हम मानेंगे जब वो एक freely environment में दिया गया हो. Freely environment means कहीं किसी भी तरीके का threat या fear नहीं था without any scary force. आई होप यू अंडरस्टूड कंक्लूजन ऑफ दिस होल सेशन इज दैट कन्फेशन के ऊपर कोई किसी भी तरीके की कॉर्जन फोर्स इंड्यूजमेंट थ्रेट फियर प्रोमिस नहीं होना चाहिए सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड आई होप यू फाउंड इट रियली हेल्पफुल मेक योर ओन नोट्स डियर स्टूडेंट्स इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर आप अपने नोट साथ बनाते जाइए स्टिल इफ़ यू गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन फ्रीली कॉल एस Follow us on Instagram, on Telegram for more updates. Keep continuity and don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.